हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे नॉन स्किपेबल एड्स को एक्टिव किया था। फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ था, दो तीन दिन पहले हमारे एक सरजीत सर है जिनका चैनल है आइए सीखते हैं, तो उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि आप अपने यूट्यूब चैनल की अर्निंग को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उन्होंने बताया था कि आप अपने चैनल के नॉन स्किपेबल एड्स को एक्टिव कर लीजिए, उसके बाद आपकी यूट्यूब की अर्निंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, उन्होंने तो हमारे बारे में भला ही सोचा था कि हम लोगों की जो YouTube की अर्निंग है वो इंक्रीज हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, हुआ क्या कि हम लोगों ने अपने YouTube चैनल के नॉन स्किपेबल एड्स को इनेबल कर लिया, लेकिन उसके बाद हमारे YouTube चैनल पे एड्स ही आना बंद हो गए। तो ऐसे में फ्रेंड्स, सरबजीत सर ने एक वीडियो और अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाया तो मैं अपने चैनल को ही क्विट कर दूंगा और इस पे वीडियो ही अपलोड नहीं करूंगा। तो सर, मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि सर, आपको ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका सॉल्यूशन अब मिल चुका है। और 100% नहीं, यहाँ पर मैं आपको 1000% गारंटी देता हूँ कि ये ट्रिक करने से आपके YouTube चैनल पे नॉन स्किपेबल एड्स के साथ जो और पुराने एड्स हैं वो सारे भी एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं भी सरबजीत सर का सब्सक्राइबर हूँ और मैंने भी अपने चैनल पे नॉन स्किपेबल एड को इनेबल किया था, तो मेरा चैनल पे भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं भी डर गया था। लेकिन कोई बात नहीं है, अब इसका सॉल्यूशन मिल चुका है, तो फिलहाल मेरे चैनल पे भी एड्स स्टार्ट अप हो चुके हैं। तो सरबजीत सर, आपको YouTube छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरबजीत सर से मैंने ईमेल पे भी कॉन्टैक्ट किया था, मैंने कहा था सर से कि सर इसका सॉल्यूशन मिल चुका है, लेकिन मुझे लगता है सर ने अभी तक ईमेल्स को चेक नहीं किया है। तो सर, अगर आपने ये वीडियो देखते हो इस समय, तो सर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने कम्युनिटी टैब में डाल सकते हैं या फिर वीडियो को अपलोड अपने चैनल पे भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल पे दोबारा से ऐड को एक्टिव कर सकते हैं विद प्रूफ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा YouTube चैनल है। तो चलिए अब मैं आपको अपना एडसेंस अकाउंट दिखाता हूँ, और ये हमारा एडसेंस अकाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पर टुडे सो फार में यहाँ पर 0 पेज व्यू, 0 क्लिक। तो चलिए अब मैं आपको व्यू रिपोर्ट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज 5 मार्च है और यहाँ पर नो डेटा अवेलेबल दिखा रहा है। चलिए यहाँ से मैं इसको हॉस्टेड एडसेंस कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी नो डेटा अवेलेबल दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट 7 डेज़ का देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लास्ट 7 डेज़ में, जब तक मैंने इसको इनेबल नहीं किया था तब तक तो यहाँ पर मेरे एड्स भी यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको इनेबल किया था तो उस दिन से ही आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो भी पेज व्यू था वो सब कुछ 0 हो गया, साथ ही जो मेरी अर्निंग थी वो भी सब 0 हो गई। और चलिए यहाँ से मैं आपको यस्टरडे का दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यस्टरडे में भी सब कुछ 0 ही है। इसके अलावा चलिए मैं अब आपको अपने फ़ोन का मेल दिखा दे रहा हूँ जिसमें मैंने अपने नॉन स्किपेबल एड्स को इनेबल किया था, तो उसका मेल जो मुझे यूट्यूब की तरफ से आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो नॉन स्किपेबल एड है वो यूट्यूब की तरफ से इनेबल कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर तो सारे एड ही आना बंद हो गए। तो चलिए अब मैं आपको वो सेटिंग बता देता हूँ जिसकी मदद से आप अपने यूट्यूब चैनल पर दोबारा से ऐड को ला सकेंगे। तो सिंपल यहाँ पर क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हमें जाना होगा हमारे चैनल पर, और चैनल के बाद यहाँ पर मोनेटाइजेशन पे क्लिक करना होगा, और इसके बाद एडसेंस एसोसिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर जो हमारा एडसेंस अकाउंट है जो एसोसिएटेड है पहले से ही, तो उसको यहाँ से हमें चेंज करना होगा। चेंज का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर अपना एडसेंस अकाउंट को ही चेंज कर रहा हूँ, ऐसा मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये एक तरह से मैं इसको केवल रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले से मेरा जो एडसेंस अकाउंट है वो एसोसिएट तो है, लेकिन यहाँ पर मैं चेंज करूँगा और चेंज में फिर दोबारा से अपने एडसेंस अकाउंट को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर सिंपल मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं अपने उसी ईमेल आईडी को चूज़ करूँगा जिससे मेरा एडसेंस अकाउंट एसोसिएट है पहले से ही। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं योर वेबसाइट में इसने मेरा यूट्यूब चैनल का URL ऑटोमेटिक ही ले लिया है। इसके बाद सिंपल यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट एसोसिएशन पे क्लिक करना होगा, इसके बाद ये हो जाएगा रीडायरेक्ट हमारे एडसेंस पे, और एडसेंस पे आने के बाद ये ऑटोमेटिक ही रीडायरेक्ट हो जाएगा यूट्यूब पे। आप चाहें तो यहाँ पर रीडायरेक्ट पे भी क्लिक करके इसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना होगा 1-2 घंटे के बाद, उसके बाद आपके जो एड्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम टाइम की बात करें तो यहाँ पर अभी 8 बजने वाले हैं, साथ ही आपको यहाँ पर डेट देख सकते हैं 5 मार्च हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर आपको 2 घंटे के बाद मिलते हैं, आपको जाना कहीं नहीं है क्योंकि अभी मैं इसी में वीडियो को वो ऐड कर दूंगा।
हाय दोस्तों, अब हम ढाई घंटे के बाद यहाँ पर वापस आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब टाइम हो रहा है 10:30 और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो एडसेंस अकाउंट है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कुछ व्यू भी आ चुके हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं और इसकी फुल डिटेल देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो व्यूज़ हैं वो 1407 व्यू आ चुके हैं, साथ ही यहाँ पर 404 इंप्रेशन हैं, 88 क्लिक हैं और जो अर्निंग है वो तो फिलहाल अभी हाइड की हुई है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 मार्च मतलब आज ही है, क्योंकि आप लोगों को प्रूफ देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग फेक बताने लगते हैं ना, तो वो दिखाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10:22 हो रही हैं और यहाँ पर 5 मार्च है आज। और चलिए मैं अब आपको यस्टरडे का दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में कुछ लोग कहेंगे कि ये अकाउंट दूसरा है। तो यस्टरडे में आप देख सकते हैं यहाँ पर नो डेटा अवेलेबल, और यहाँ पर जो 5 मार्च का आज डेटा है जो मैंने सुबह एक्टिव किया था 8 बजे, तो उसके बाद से मेरे इतने व्यू आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल पे दोबारा से ऐड को एक्टिव कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया था तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और नई वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।